नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अज्ञात और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में लगातार नाबालिग से दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। इन घटनाओं को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में अब बेटी पढ़ाओ नहीं पहले बेटी बचाओ का नारा दिया जाना चाहिए। सागर घटना पर केंद्रीय मंत्री और सांसद वीरेंद्र खटीक को भी जमकर घेरा और कहा कि बेटियों को भाजपा वालों से बचाना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या अपने प्रतिनिधि को आप यही संस्कार दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने सागर घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्र खटीक के प्रतिनिधि एक से दुराचार की घटना करता है, यह प्रदेश को शर्मसार करने वाला है। सवाल करते हुए कहा कि एक सांसद प्रतिनिधि फरार कैसे हो सकता है। इनका नारा होना चाहिए बेटियों को पढ़ाइए, भाजपा वालों से बचाइए। उन्होंने कहा कि राजधानी समेत इंदौर में शर्मसार करने वाले मामले सामने आए। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का सांसद प्रतिनिधि भी ऐसी घटनाओं के में आरोपी है। रोजाना 10 से 20 मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में महिला और युवतियों के साथ बच्चे भी असुरक्षित है। प्रदेश में कानून का भय नहीं रह गया। घटना है कि 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में और वीरेंद्र खटीक जी जो वहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं उनका सांसद प्रतिनिधि एक बच्ची के साथ जो दुराचार की घटना करता है, ये शर्मसार करने वाली मध्य प्रदेश को घटना है। इससे 3 दिन पहले भोपाल में 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है जो भाजपा कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? क्या यही बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ है आपका जो नारा आप देते हैं? आपका हकीकत कई कोसों दूर है आपकी। मध्य प्रदेश लगातार हमारे बलात्कार की घटनाओं में रेप केस में नंबर वन आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से है, क्या कर रहा है मध्य प्रदेश? मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं आप और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी, आप क्या यही संस्कार दे रहे हैं अपने सांसद प्रतिनिधि के लिए? बहुत ही शर्म करने वाली घटना है। उनको तुरंत ऐसे जो लोग हैं दोषी तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि वो फरार हो गए हैं। एक सोचिए, सांसद प्रतिनिधि फरार हो जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। एक सांसद का प्रतिनिधि कैसे फरार हो सकता है? एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है और इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि यही इनका जो नारा है कि बेटी को भाजपा वालों से बचाइए, बेटी को पढ़ाइए और बेटी को भाजपा वालों से बचाइए, नारा ये होना चाहिए। और यहाँ की जनता है वो तैयार है इसके लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप आए दिन देखेंगे कम से कम 10-20 घटनाएं हो रही हैं, 10-20 घटनाएं रोज नाबालिग बच्चियों के साथ में। जो भोपाल में हुई है शर्मसार करने वाली घटना थी, अभी इंदौर में हुई, आप देखेंगे पूरी दुनिया में नेशनल न्यूज पे भी छाया रहा कि आर्मी के जो अफसर थे उनके साथ ये घटना हो जाती है। आप उज्जैन में दिनदहाड़े घटना हो जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? ये जंगल राज आ चुका है। असली जंगल राज क्या होता है वो जब कोई भी देश का व्यक्ति या सब लोग आके मध्य प्रदेश में देखें, ये जंगल राज है। तो सबसे यही निवेदन है कि भाजपा के लोगों से बेटी को बचाइए और बेटी को अच्छे से पढ़ाइए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।